दिसंबर में कुछ जीवन बीमा कंपनियां टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी में हैं। कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर के बाद इंश्योरेंस कंपनीज और री इंश्योरेंस कंपनीज दोनों का ही नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबल री इंश्योरेंस कंपनीज की ओर से दबाव बढ़ा। टर्म इंश्योरेंस के बारे में जागरूकता महामारी के आने के बाद बढ़ी और ऐसे पॉलिसियों की मांग बढ़ गई, क्योंकि ग्राहक कोविड 19 जैसी महामारी की अनिश्चितताओं के बीच जीवन बीमा चाहते। लेकिन कोविड 19 के पहले से ही लाइफ इंश्योरेंस डुअर टर्म इंश्योरेंस को लेकर आक्रामक थे, क्योंकि यह मुनाफे का कारोबार था। इसकी वजह से कीमतों को लेकर जंग छिड़ गई, जहां हर कोई सस्ती दरों पर टर्म इंश्योरेंस उत्पादों की पेशकश पर विचार कर रहा था। बहरहाल उद्योग का मानना है कि दरों में यह बढ़ोतरी अगले कुछ साल तक रह सकती है, जब तक री इंश्योरेंस कंपनीज का मृत्यु के आंकड़ों का अनुभव खराब ना हो जाए। उद्योग के जानकारों का कहना है कि इस बार टर्म प्लान के दम में 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। बड़ी बीमा कंपनियों के पास संख्या बल होगा और इसके माध्यम से वे काम बढ़ोतरी के लिए मोल भाव भी कर सकती है और बढ़ोतरी का बोझ खुद भी उठा सकती है और शेष का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती है। ग्लोबल री इंश्योरर मुनिच ने अपने बीमा साझेदारों को सितंबर में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। इंश्योरेंस ने इसे लेकर रीइंश्योरेंस से बढ़ोतरी की मात्रा के बारे में बातचीत शुरू की थी। अब तक बीमाकर्ताओं ने आधिकारिक रूप से प्रीमियम बढ़ोतरी की मात्रा के बारे में कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन उद्योग जगत के एक आंतरिक सूत्र ने कहा कि दिसंबर से यह बढ़ोतरी 25-40% तक हो सकती है। बड़ी कंपनियां ऐसा दिसंबर से करेंगी, जबकि कुछ कंपनियां जनवरी में प्रीमियम बढ़ाएंगी। संभवतः पूर्ण बीमाकर्ता की ओर से बढ़ाई गई राशि का पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा। उन्होंने नाम ना दिए जाने की शर्त पर कहा कि ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता बड़े प्रीमियम का कुछ बोझ खुद उठा सकते हैं। बीमा सेवा प्रदाता पॉलिसी एक्स के संस्थापक और CEO नवल गोयल ने कहा कि कुछ इंश्योरर दिसंबर से प्रीमियम बढ़ा सकते हैं। यह बढ़ोतरी 20-30% की सीमा में हो सकती है। टर्म इंश्योरेंस की कीमत अब स्थिर हो सकती है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में प्रीमियम से बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ज्यादा कुछ इंश्योरर्स व री इंश्योरर्स के मृत्यु दर के अनुभवों पर निर्भर होगा। HDFC लाइफ के CFO ने कहा, मूल्य के पूर्ण धारण को लेकर पूर्ण बीमा कंपनियों के साथ इस समय चर्चा चल रही है और कीमत में बढ़ोतरी की मात्रा के बारे में अभी फैसला होना बाकी है। वित्त वर्ष 22 की चौथी तिमाही से नई दरों की उम्मीद है। हम सूक्ष्म जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण के दृष्टिकोण का पालन करना जारी रखेंगे और नए अनुभवों के मुताबिक ग्राहकों के लिए कीमत में बढ़ोतरी करेंगे। एजस फेडरल ने बढ़ती कीमतों के लिए पहले ही नियामक के पास आवेदन कर दिया है और हमारे पास इसके लिए 31 दिसंबर तक का वक्त दिया है।